करनाल में श्री सेवा समिति आश्रम अर्जुन गेट एवं श्री कृष्ण कृपा सेवा मंच की ओर से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड कैंप लगाया गया, जिसमें युवाओं एवं कृष्ण कृपा मंच के सदस्यों द्वारा बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया गया। इस मौके पर समाज सेवी अमन शर्मा ने पहुंचकर सभी रक्तदाताओं को मेडल पहनाकर सम्मानित व प्रोत्साहित किया। वही समिति के प्रधान राजेंद्र मदान रामा व संरक्षक तिलक राज खुराना ने सेवा समिति द्वारा करवाए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यहाँ हम आपको बता दें कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को हर महीने खून की जरूरत होती है, जिसको पूरा करने के लिए सेवा समिति व श्री कृष्ण कृपा समय समय पर रक्तदान शिविर लगाता रहता है और साल में एक बार विशाल रक्तदान शिविर लगाकर रक्त इकट्ठा करता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, इसके करने से किसी को कमजोरी नहीं आती बल्कि मनुष्य के शरीर में जो अनावश्यक बीमारियां होती हैं रक्तदान करने से वह स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए क्योंकि इससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। गौरतलब है कि रक्त किसी फैक्ट्री या कारखाने में नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मनुष्य के शरीर से ही रक्त लेकर दूसरे व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए श्री सेवा समिति और श्री कृष्ण कृपा मंच द्वारा थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, क्योंकि इस थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को महीने में 2 या 3 बार रक्त अवश्य चढ़ाना पड़ता है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा रक्तदाताओं की जरूरत पड़ती है। इस अवसर पर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की टीम के डॉक्टरों द्वारा रक्तदान शिविर में सहयोग किया गया। वाला कैंप है हमारा, आज से 22 साल पहले हमारे दोस्त है जितेंद्र सचदेवा जी, उनके बेटे को पता लगा कि उनको थैलेसीमिया है, तो हम उनके लिए, मैं दिल्ली ब्लड देने गया था उनके बेटे के लिए, तो वहाँ देखा कि मैंने बच्चों की बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी जिनको बीमारी थी थैलेसीमिया की है मतलब, तो फिर वहाँ की डायरेक्टर डॉक्टर बंसी से मैंने बात की कि अगर हम करनाल में कैंप लगाएं बच्चों के लिए, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, 22 साल हो गए 3 बच्चों के लिए निरंतर श्री कृष्ण कृपा युवा मंच ए श्री सेवा समिति आश्रम की सारी टीम साल में 4 कैंप लगाती है। करनाल में नियर अबाउट 58 चिल्ड्रन हैं जिनको ये बीमारी है, तो जिसके तहत किसी को तो महीने में 4 बार चढ़ता है, किसी को 4 बार, किसी को 5 बार, किसी को 6 बार। तो हमारा एक एम है भाई, जब तक मतलब हमारी टीम मतलब एक एक सदस्य रहेगा तो इस कार्य के लिए सबसे आगे बढ़ चढ़कर कैंप लगाता ही रहेगा, ये हमारा एम है, ये कैंप लगते ही रहेंगे। धन्यवाद करूंगा डोनेटर का, जो हमारा जब भी हमारा कैंप लगा है उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हर बार 150 से 200 लोगों का हम टारगेट होता है वो अचीव हो जाता है हर बार ही। और 15 मई को जो स्वामी ज्ञानंद जी महाराज का जन्मदिन हम मनाते हैं उसमें भी हम ये जहाँ पर भी महाराज की आज्ञा होती है वहाँ पर हम कैंप लगाते हैं और वहाँ पर भी जहाँ कहीं भी हो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसमें लेडीज भी बच्चे भी बढ़ चढ़ जाते हैं, वहाँ पे हम सब टीम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद श्री राम में एक मोदी आज जो थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के लिए कैंप लग रहा है, जो इनके लिए भारी रक्त की कमी रहती है दिल्ली में, जो एक छोटे से आह्वान पर आज करनाल के इतने दानी सज्जन जो अपना ये रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है ये आज करने यहाँ पहुँचे, मैं इन सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। और ये उन बच्चों के लिए जीवन दान है जिनके लिए आज ये सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय में भी ये समय पर ये कैंप लगते रहने चाहिए और हम लगाते रहें और ये दानी सज्जन बच्चों के लिए दान करते हैं। कैंप में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सेवा समिति के बारे में? जो सेवा समिति द्वारा थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए हर महीने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, क्योंकि हमारे करनाल में भी 56 बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं जिनका हर महीने ब्लड चेंज करना पड़ता है और गर्मियों में ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं सेवा समिति संस्था की का स्पेशल धन्यवाद करता हूँ जो बढ़ चढ़ कर इतना बढ़िया कार्य कर रही है एक समाज सेवा में, और राजेंद्र मदान जी और इनकी पूरी टीम का जो हमारे सेवा समिति के प्रधान हैं जो बढ़ चढ़कर रक्तदान में जिन्होंने करनाल जिला में सबसे ज़्यादा बार रक्तदान किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। श्री कृष्ण कृपा मंच और सेवा समिति आश्रम मिलकर यह कैंप लगा रहे हैं थैलेसीमिया के लिए, यह अक्सर हम साल में 2 बार 3 बार 4 बार लगाते रहते हैं जिससे बच्चों को जो ब्लड चाहिए उसकी आपूर्ति होती रहे। इसके लिए दिल्ली से भी टीमें कई बार आती हैं, वो भी आग्रह करती हैं उनके पास ब्लड, तो यहाँ हम जो है
बहुत अच्छे से कैंप लगा के उनको भी ब्लड देते रहते हैं, अपने करनाल में ही ब्लड देते हैं, जिससे जो है थैलीसीमिया के जो बच्चे हैं उनको उनकी ब्लड की पूर्ति होती रहे। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।